members, we are not setting a good example to the entire nation. The entire nation is watching us. The government is ready for a discussion on Manipur. We want to start discussion right now. It is most unfortunate that on 20th of July, this is time of the house has not been utilized. People have to pay heavily for this. We are ridiculing ourselves. उस पर चर्चा के लिए 68 साथियों ने बाकायदा नोटिस दिया, इसके बावजूद सरकार बेईमानी के की आखिरी हद तक पहुंचकर और गिरकर अब चर्चा से भाग खड़ी हुई है और वो चाहते हैं कि शोरगुल में आधा घंटा घंटा से कम चर्चा हो और उसमें भी विपक्ष के लोग ना बोलें, इंडिया के लोग मणिपुर के दर्द को ना बयां कर सकें, केवल और केवल सत्ता पक्ष के कुछ पिछलग्गू लोग बोलें और बात वहीं समाप्त हो जाए। हमने ये निर्णय किया है कि प्रधानमंत्री को सदन में आना होगा, प्रधानमंत्री को मणिपुर पर मणिपुर के लोगों से क्षमा मांगकर मणिपुर को किस प्रकार से राहत देंगे, मरहम किस प्रकार से लगेगी, भारत माँ का सीना जो छलनी हुआ है उस पर किस प्रकार से आप मरहम लगाएंगे, इसकी चर्चा करनी होगी। तब तक इंडिया के सारे मित्र दल मिलकर इस देश की आवाज उठाते रहेंगे। केवल सदन में आकर ये चिल्लाने से कि हम चर्चा चाहते हैं, चर्चा नहीं होगी। 65 नोटिस शायद आज तक भारत के संसदीय इतिहास में, राज्यसभा के इतिहास में 1952 से लेकर आज तक पहली बार इतनी बड़ी संख्या में सांसदों ने 267 का नोटिस दर्ज कर कहा कि हमारे देश का एक अभिन्न अंग, हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बॉर्डर स्टेट मणिपुर जल रहा है, मणिपुर के विषय में चर्चा हो। लेकिन सरकार ये चर्चा नहीं चाहती। मॉनसून का सत्र 20 जुलाई 2023 को शुरू हुआ था, आज 31 जुलाई 2023 है, 11 दिन हो गए। 11 दिन में किसी एक भी दिन अगर सरकार मणिपुर पे चर्चा करा लेती तो बाकी के वर्किंग डेज बच जाते और उसमें लेजिस्लेटिव काम हो जाता। इतने सारे माननीय सदस्यों ने ये चर्चा मांगने के बाद 176 में एडमिट किया गया, उसकी आज तारीख तय करी गई, क्योंकि विपक्ष रोज पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहे। हम चाहते हैं कि इस पर डिस्कशन हो, लेकिन विपक्ष का रवैया आपने देखा, वो फिर एक बार इस पूरी चर्चा को नहीं होने देना चाहते हैं। कुछ तो बात है जो वो भाग रहे हैं, छुप रहे हैं चर्चा से। मणिपुर की जो घटना सामने आई है किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। Under rule 267 and many of our people have visited. I want the house personally, our people have visited Manipur. Manipur is burning. We are requesting Prime Minister to give a statement. Are you agreeable for discussion at 2 p.m.?
23 days. It never happened during their period. Oh, we are ready for the discussion, sir. Right now, the government is ready for the discussion. Whether they are serious or not, let them tell it to the country, sir. What the changes in India's population and the differential growth rate. Rationales about why it's not ending. What's your rationale? We have a very special guest on the record. The interview. The role that the US side played at that point of time. Puri dunya ki nazar. Assume my phone is tapped. I can probably say hello to Mr. Modi. Aapke Bharat par hai. Pakistan has a unique negotiating style. The rising confidence of India under Prime Minister Narendra Modi. Communist China is the greatest threat. There will come a day that we will see far more radical extremist. I'm still a little perplexed by why we have... Your daily dose of news from India and across the world. Cutting-edge views and analysis. Tune into HD videos. Click on the bell icon to subscribe.